नमस्कार। स्वादिष्ट सारू पोइनाड़ी भजा बनाने की विधि। सारू या अरबी 250 ग्राम, 200 ग्राम मालाबार स्टेम या पोई, कुछ कलियां लहसुन की, एक चुटकी हल्दी पाउडर, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच पीली सरसों। ये मसाले को थोड़े से पानी देकर इसको मिक्सी के जार में पीस लेंगे। इस रेसिपी में हमें एक चम्मच पेस्ट की जरूरत है, आधे चम्मच पंचफोरन, एक सूखी लाल मिर्च, थोड़े से हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक बड़े चम्मच सरसों का तेल, स्वाद अनुसार नमक। पहले पोई और अरबी को छीलकर लंबे लंबे काट लेंगे। काटने के बाद अच्छे से धोकर एक तरफ रख लेते हैं। कढ़ाई में एक चम्मच तेल गरम करते हैं और पंचफोरन लाल मिर्च को चटकाते हैं। अब आधा कप पानी बड़ी सावधानी से और दूर से धीमी आंच पे डालेंगे। अब इसके ऊपर कटे हुए अरबी और पोई को डालते हैं। अब हल्दी पाउडर, अब नमक डालकर अच्छे से मिला लेते हैं। अच्छे से मिलाने के बाद इसे ढककर कम से कम धीमी आंच पे पकाएंगे, तब तक जब तक पूरा सब्जी पक ना जाए। पूरा सब्जी अब पक गया है, देखते हैं कैसा है सब्जी का। अब देखिए पूरा पक गया है। अच्छे से मसाले का पेस्ट एक चम्मच डालते हैं, लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच डाले हैं। आप इसकी कम और ज्यादा कर सकते हैं। अब सभी को डालने के बाद अच्छे से तेज आंच पे लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे इस सब्जियों को। पूरा सूखा बनाना है। अब लगातार चलाते हुए तेज आंच पे फ्राई करते हैं। देखिए अब इसको तैयार हुआ है हमारा जो पोई सारू भजा। पोई नाड़ी सारू भजा बन के तैयार है। आप गर्म चावल के साथ साइड डिश पर यूज कर सकते हैं और इसको आप पखल भात के साथ हम लोग खाते हैं। आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं। स्वादिष्ट सारू पोई नाड़ी भजा बन के तैयार है। आप एंजॉय करिए इस रेसिपी को बनाकर। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना एवं शेयर एंड लाइक करना। धन्यवाद।